सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। माथे पर चंदन जरूर होना चाहिए, विशेष तौर से पुरुषों से कह रहे हैं। और जो लोग दीक्षित तो होते हैं उनके माथे पर तो चंदन जरूर होना चाहिए, अपने गुरु की तरह। ये परम आवश्यक मान के चलना, ये विशेष है। छोटे छोटे बच्चे किसके हैं जो स्कूल जाते हैं उनकी यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म को देख के दूसरे स्कूल का बच्चा या कोई भी पता लगा लेगा ना ये कौन से स्कूल से, लगाएगा कि नहीं लगाएगा। ऐसे ही आपकी आपके आचरण से, आपके चंदन से पता लगेगा कि ये हरि के स्कूल से है, ये गोविंद से जुड़े हैं, किसी गुरुजन से, ये किसी से जुड़े हैं। ये आपकी पहचान है। गले में कंठी, यमदूत कभी आपको छू भी नहीं सकते गले में कंठी है तो, क्योंकि उन्हें मालूम है ये हरि नाम का पट्टा है। वो नहीं है आवारा जानवरों को जब पकड़ने आते हैं तो जिनके गले में पट्टे पड़े होते हैं उनको छोड़ देते हैं, नहीं नहीं पालतू है भाई, किसका है इसको ले जाओ नहीं तो हम ले जाएंगे। या अगर ले भी जाते हैं तो जिसका होता है वो छुड़ा के ले आता है। जैसे भगवान ने अजामिल के लिए भेज दिए थे, बोला नहीं 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 रोको 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 गड़बड़ हो जाएगी, इसको छुड़वाओ। तो ऐसे ही जब वो आएंगे तो आपके गले में अगर कंठी है तो वो समझ जाएंगे नहीं नहीं इनको छूना नहीं है, इनको छुएंगे तो 440 वोल्ट का करंट लग जाएगा। तो अपना माथा और अपना गला, गला चलो ठीक है मगर माथा जरूर आपका चंदन लगा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, बहुत आवश्यक है।